नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत और अमेरिका के बाद ब्राजील ही वो देश है जहां पर खतरनाक वायरस ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। इस देश में 2 लाख से भी ज्यादा मौत हुई और लाखों लोग अभी भी कोरोना की चपेट में हैं। यही वजह है कि इस साल के शुरुआत में ही ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन भेजी जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो पाने से यहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुश्किल वक्त में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले भारत से जब ब्राजील ने वैक्सीन मांगी, तो मोदी सरकार ने भी बिना देरी किए कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज ब्राजील रवाना कर दी। ये वैक्सीन लेकर हवाई जहाज ब्राजील पहुंचा तो वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को ऐसा लगा मानो पवन पुत्र हनुमान संकट के समय में भारत से वैक्सीन रूपी जड़ी बूटी लेकर आए हैं। शायद यही वजह है कि मित्र देश भारत से आई वैक्सीन पाकर गदगद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने जड़ी बूटी ले जाते हनुमान की तस्वीर ट्वीट कर पीएम मोदी को वैक्सीन के लिए बधाई दी और हिंदी में धन्यवाद कहा। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने अपने ट्वीट में लिखा, वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में शामिल एक महान भागीदार को पाकर ब्राजील सम्मानित महसूस कर रहा है। भारत से ब्राजील वैक्सीन का निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने बजरंग बली की तस्वीर ट्वीट करते हुए हिंदी में धन्यवाद लिखकर भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है। जायर बोल्सोनारो ने इससे पहले भारत के विदेशी मामलों के सचिव संजीव मिगलानी के साथ तस्वीर ट्वीट करते हुए अपने देशवासियों को बताया था कि भारत शुक्रवार को वैक्सीन भेजेगा, जबकि अगले ही दिन शनिवार को वैक्सीन ब्राजील पहुंच भी गई। जिसके बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने लिखा, भारत से आ रही एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड वैक्सीन की 2 लाख डोज ब्राजील पहुंच गई है। जब भावुक हो गए बोल्सोनारो, कोरोना महामारी का असर शुरुआती चरण में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ब्राजील में ही देखने को मिला था, जहां बड़ी संख्या में लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे थे, जिसने राष्ट्रपति बोल्सोनारो की चिंता बढ़ा दी थी। अब फिलहाल कोरोना के मामले कम तो हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यही वजह है कि बुधवार को भावुक होते हुए राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने बयान दिया कि कोरोना महामारी के चलते उनका देश टूट गया है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील के लाखों नागरिकों की सहायता के लिए दी जाने वाली सब्सिडी भी इस जानलेवा महामारी के चलते खत्म हो गई। इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर देश के लगभग 2 लाख लोग मारे गए हैं, जो कि बेहद दर्दनाक है। संकट मोचक बना भारत। ब्राजील के राष्ट्रपति ने वैक्सीन मिलने पर भारत को जड़ी बूटी ले जाते हनुमान जी की तस्वीर के साथ यूं ही धन्यवाद नहीं दिया है। भारत वाकई कोरोना जैसी महामारी के दौर में दूसरे देशों के लिए भी संकट मोचक बनकर उभरा है। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ मित्र देशों की भी दिल खोलकर मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो 22 जनवरी तक भारत ने जिन देशों को कोविशील्ड की 1,417 करोड़ खुराक पहुंचाई है, इसमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स जैसे देश शामिल हैं। इनके अलावा भारत, ब्राजील और मोरक्को सहित दुनिया के कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत इससे पहले अपने पड़ोसी देश भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल को भी गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भेज चुका है, जिसमें बांग्लादेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख, नेपाल को 10 लाख, भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को 1 लाख खुराक दी गई है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को वैक्सीन सप्लाई नहीं की गई है। मोदी सरकार ने बताया है कि अब तक पाकिस्तान ने भारत से वैक्सीन की मांग नहीं की है। बहरहाल वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार की धारणा रखने वाला भारत जिस तरह से पूरी दुनिया में वैक्सीन की खेप पहुंचा रहा है, उससे वाकई भारत का कद बढ़ रहा है और आज दुनिया के कई बड़े देश भी वैक्सीन के लिए भारत की ओर ही देख रहे हैं।